खबर छतरपुर जिले से है, जहां बड़ा मलहरा के बैंक में व्यापारी के बैग से रुपए निकालकर जा रही दो महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बता दें कि गल्ला व्यापारी काशीराम साहू ने बैंक से रुपए निकालकर अपने बैग में रखे थे, तभी वहां पहले से मौजूद दो महिलाओं ने पैर दर्द का बहाना बनाकर उनके बैग से 40,000 रुपए चोरी कर लिए और दोनों महिलाएं बैंक से निकलकर टैक्सी से भाग गई। वहीं जब व्यापारी को इस चोरी का पता चला तो उनके साथियों ने दोनों महिलाओं को रुपए सहित पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर रुपए जब्त कर लिए हैं। मैं घर से बैंक से पैसा लेने के लिए गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा महिला, मैंने चेक लगाई, पैसा निकालने के बाद चेक में पैसा रखने के बाद जैसे गेट पे आया, एक महिलाएं गेट पे खड़ी हुई थी झुकी हुई और इधर उधर मुझे निकलने नहीं दे रही थी। पीछे मैं बैग टांगे हुआ था और एक महिला पीछे थी, उसने अचानक से मेरे को ध्यान नहीं है कि कब निकाल लिए मेरे पैसे। जब मैंने उन महिलाओं को देखते हुए भागते हुए देखा तो मुझे शक हुई, शक की वजह से मैंने बैग खोल के देखा, हमारे पैसे गायब। तो दौड़ती हुई महिलाओं के लिए बाहर निकला, उनका पीछा किया और हमारे नरेंद्र और आकाश तीन लोगों के बीच में उसको पकड़ लिया गया और पकड़ के थाने बड़ा मलहरा ले गया। आज करीब 12:30 बजे भारतीय स्टेट बैंक से काशीराम साहू अपने भतीजे आकाश साहू और मुनीम के साथ बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाले और निकाल के बाहर निकल रहे। तो चैनल गेट पे एक महिला बैठी हुई थी जो अपना पाँव में दर्द होना बता रही थी, तो जैसे ही झुके और उससे बात करने लगे तो उनके उसमें बैग में पैसे रखे हुए थे। तो थोड़ी देर से आगे बढ़े, कुछ देर बाद इनने देखा कि बैग की चेन खुली है, उसमें से 40,000 रुपये गायब हैं। इनको उस महिला पर संदेह हुआ, इनको इनने भागते हुए देखा तो मदद से इनने दोनों महिलाओं को पकड़ा। पकड़ के इनने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस उनको पकड़ के थाने लाई, पूछताछ की। तो दोनों महिला में एक महिला का नाम है अंजलि, दूसरे का नाम है गुड़िया। ये दोनों कचोर राजगढ़ ब्यावरा की हैं, कड़िया सांसी जाती, इनका यही काम है, इनसे सतत पूछताछ चल रही है और जो राशि चोरी गई थी वो राशि भी मिल गई है, तब इनसे अग्रिम कार्रवाई हो रही है। किन धाराओं के तहत प्रकरण दायर? चोरी की धारा 379 धारा है, उसके अंतर अपराध पंजीकृत हुआ है।